पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें NS Now। पिछले 10 दिनों से राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक बीकानेर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रुख नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचायत शिक्षक उपाध्यक्ष ब्लॉक धोरी मन्ना बाड़मेर से केसाराम चौधरी जी। उन्हीं से जानेंगे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक की मांगे क्या हैं, सरकार ध्यान क्यों दे रही है, क्या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक की नियुक्तिकरण में बाधा हो रही है। आइए सब कुछ जानते हैं केसाराम चौधरी से और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मांगे ना माने जाने पर आखिर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक आगे क्या करेंगे। नमस्कार केसाराम जी, इस चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी। जी सर, क्या इस वक्त पंचायत शिक्षक का धरना बीकानेर में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर। जी सर, इससे पहले भी धरना हुआ था तो कुछ बातें जो है वो जो पत्र के माध्यम से निदेशालय में भेजी गई थी, तो क्या कुछ अब तक हो पाया है शासन में? कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। तो सर इस समय क्या चल रहा शासन में इस विषय में? तो अब देखो, हमारा जो धरना जो चल रहा है वो तो भाई नियमितीकरण को लेकर चल रहा है और नियमितीकरण के लिए हम बीकानेर में धरना लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है उसमें हमको पीछे रखा जा रहा है। हमारा क्या है कि वैसे एक्चुअल में अनुभव 6 साल का हमारा विद्यार्थी मित्र का, 6 साल का पंचायत का, 12 साल का पूर्व अनुभव है, 2 साल का वर्तमान अनुभव है, 14 साल का टोटल अनुभव बन रहा है, फिर भी हमें वंचित रखा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कानूनी पैच फंसा कर अधिकारियों ने ये गुमराह करके ये काम किया है। सरकार क्या है, वित्तीय भार को कम करने के लिए हमारे साथ ये घिनौना खेल खेल रही है। इसलिए हमने धरना लगाया, भाई क्यों नहीं इन सब के साथ हमें भी किया जाए। हम 2008 से भुगत रहे हैं, MA BEd लोग हैं और जिस हालात में हमने उस हालात थे जिस समय में जो कोई टीचर इनको नहीं मिल रहा था 2008 के अंदर, तब हमने इनकी स्कूलों को संभाला 2008 से लेकर 2014 तक जी। और प्राइमरी में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में और व्याख्याता के रूप में 3 पदों पे हमने काम करके 2008 से 2013 तक शैक्षणिक व्यवस्था का, राजस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है जी। उसके बाद में हमें कोई कोर्ट में संज्ञान के बाद में सरकार ने हमें हटा दिया जी। हटाने के बाद में 2014 में हमें पुनः लगाया गया और 2017 से लेकर आज तक हम निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। पहले कुछ जगह पंचायतों में डाला जाता था, अब हालांकि हमारे फिक्स 2 साल के बाद में हमने निरंतर हमें स्कूलों में डाल दिया गया है। कब तक आप लोग धरना करेंगे? धरना धरने का जब तक नियमितीकरण नहीं होता है जब तक तो देंगे। बीकानेर में ही रहेंगे या फिर राजधानी की तरफ भी आप लोगों का कोई कुछ करने का विचार है? वो भी करेंगे। अब साहब अभी देखो जो सरकार का मूवमेंट है, हमारा 9वां दिन का धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरह से हमारे तरफ हमारी और कोई रेस्पॉन्स आया भी नहीं है, ना सरकार ने हमें कोई वार्ता के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को कैबिनेट की भी बैठक है। बिल्कुल, कैबिनेट है तो कोई जरूरी थोड़ा है कि हमारा ही मुद्दा कैबिनेट में हो। हम तो ये चाहते हैं कि कैबिनेट में हमारा मुद्दा लिया जाए। इससे पहले भी कई कैबिनेट बैठक हो चुका है लेकिन कुछ हुआ नहीं पंचायत शिक्षकों के लिए। कुछ नहीं हुआ साहब, बिना फालतू कुछ नहीं है। 2 साल से जरूर ये है कि संतोषजनक पिछली सरकार ने जरूर संविदा रूल बना के मेरे नियमितीकरण की तरह मार्ग को प्रशस्त जरूर किया था, लेकिन नियमों में ऐसा झोल फंसाया कि आज भी हम उस चीज को पा नहीं पा रहे हैं और ना हम उस नियमितीकरण के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि दायरे में आ रहे हैं क्योंकि हमारा अनुभव 14 साल का है, लेकिन हमें दायरे में लिया नहीं जा रहा है नियम और कानूनों के वजह से। क्या सरकार क्या कुछ कह रही है कि क्या कुछ पेच फंसा है जिसकी वजह से नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है? सरकार कह रही है वित्तीय वर्ष को लेकर अनुभव जो काउंट किया जा रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग किया जा रहा है जी। और हमारा जो विद्यार्थी मित्र और पंचायत शाही के बीच में था तो वो 3 साल जैसे कोर्ट के दायरे में आने के बाद सरकार ने हमें हटाया, तो उसका 3 साल का बीच का जो है वो गैप है जी। जी, हालांकि संविदा सेवा रूल 2022 है उसमें कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि भाई निरंतर सेवा होनी चाहिए, लेकिन सरकार के बैठे आला अधिकारियों ने ये चीज इसलिए फंसाई कि भाई वित्तीय भार कम पड़े और कम से कम हमारे 15-20 हजार लोग हैं और 20 हजार लोगों का वित्तीय भार कम करने के लिए ये लाइन डाली गई है कि 1 अप्रैल से इनका अनुभव की काउंटिंग की जाएगी। हमारा 6 वर्ष का अनुभव है, उस अनुभव को सिर्फ ये 1 साल मान रहे हैं जी।
और अभी अभी पंचायत सहायक नियुक्ति नहीं करने से वित्तीय भार कम थोड़ी ना हो जाएगा। ये अधिकारियों की सोच और ये सरकार में बैठे आला मंत्रियों और आला अधिकारियों की सोच है। अब उसका तो हम ये थोड़े ही कह सकते हैं कि भाई वित्तीय भार कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई वित्तीय भार ज्यादा हो जाता है इसलिए इसको कम कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर ही लागू होता है क्योंकि आज थोड़ी हो रहा है, 2008 से लेकर 2008 में हुआ था, 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2023 में भी ये दोहराया गया और 2024 में भी ये दोहराया जा रहा है। तो सर क्या कुछ इस सरकार से उम्मीद आप कर रहे हैं भजनलाल शर्मा सरकार से? सरकार से उम्मीद तो हर कोई करता है, हम क्यों नहीं करें? हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई बैंक से भीख थोड़ी मांग रहे हैं। जी जी जी, हमने काम किया है, हमने स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारा है। हमने आज भी हम तो कह रहे हैं कि दो साल से हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन स्कूलों का स्ट्रेंथ सुधरा है, उन स्कूलों का कैडर सुधरा है, उन स्कूलों के बच्चों का जो व्हीकुलर पावर है वो सुधरा है। सुधार तो किया है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुधार कर रहे हैं। पहले हम पंचायतों में थे तो पंचायतों की बहुत अच्छी हमने व्यवस्था सुधारी थी, जो टाइम टू टाइम काम करते थे, फिर भी हमारे साथ एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। ये हमारे दर्द तो है ही, और सरकार से तो हम आज सरकार से ही करें और तो करें किससे? नहीं नहीं, तो सर काफी दिनों से आप लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कोई परिणाम भी नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या योजना बनाई है? सब धरने को हम मजबूत कर रहे हैं, हमारा पक्ष मजबूत कर रहे हैं। प्रत्येक लोग हर व्यक्ति, हर पंचायत शिक्षक, हर विद्यालय सहायक घरों से निकलेंगे, बीकानेर धरने को मजबूत करेंगे। तो क्या सर सरकार के साथ भी संपर्क में है आप लोग की नहीं, उनके मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री से, आदि लोगों से? सर शिक्षा मंत्रियों से भी कई बार बात हो चुकी है कि हमारा नहीं हो रहा है जी। और काफी लोगों को ये भी कहा है, काफी मंत्रियों को भी कहा है कि हमारा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद को हमने कहा था कि अधिकारी जी आपको गोलमोल कर रहे हैं, आप इस चीज पर ध्यान दो। अधिकारी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा, स्वयं का जवाब था कि मैं अधिकारियों को गोलमोल कर दूंगा। अब कब तक करते हैं ये हम देख रहे हैं जी। तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोग के अगर साथ हैं तो फिर भी मतलब पेच फंसा हुआ, इतने प्रयास के बावजूद भी खुद मुख्यमंत्री जी से आप लोगों ने मुलाकात की उसके बाद? बिल्कुल की, कोई एक बार नहीं, तीन बार वर्तमान मुख्यमंत्री जी से तीन बार हम मिल चुके हैं। हमने तीन बार ये कहा है कि सर हमारे साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है, आप इस पर ध्यान दो, आपको अधिकारी गोलमोल कर रहे हैं। बिल्कुल कोई अधिकारी गोलमोल नहीं करेगा, मैं अधिकारियों को गोलमोल कर दूंगा, ये मुख्यमंत्री जी का जवाब था। इधर क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं साफ किया कि मुख्यमंत्री जी आप लोग का नियुक्ति करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अब वो तो सब मुख्यमंत्री जी खुद बता सकते हैं, भाई नियमितीकरण चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो सिस्टम है और हमारे जो पूरा लॉजिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हमने 14-12 साल स्कूलों में काम किया और 2 साल वर्तमान सेवा में काम कर रहे हैं, जो संविदा रूल के अंदर आने के बाद 14 वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के आधार पर हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। हमारे साथ हो रहा है कि इन्होंने खेल खेला जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा खेला जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ सारी बातें स्पष्टता के साथ पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।